हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में रिलायंस फ्यूचर को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे रिलायंस और फ्यूचर के बीच में जो लिटिगेशन प्रोसेस चल रहा है, इसको लेकर के आपको सारी अपडेट्स बताई हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक और बात निकल के सामने आती है और ये कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा करता है। अमेज़ॉन ने यहाँ पे 7,000 करोड़ रुपए के डाइवर्ट होने की खबरें बार बार बताने की कोशिश कर रहा है अलग अलग अथॉरिटीज़ को, और एक इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अमेज़ॉन एलएचएस रुपीज़ 7,000 करोड़ डाइवर्टेड फ्रॉम फ्यूचर रिटेल लिमिटेड। तो दोस्तों, यहाँ पे इंडिया के इस रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी और फ्यूचर के बीच की डील को ब्लॉक करने के लिए हर तरीके से अमेज़ॉन कोशिश करने में लगा हुआ है, राइट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़ॉन को अमेज़ॉन को फेवर करते हुए सिर्फ ये कहा है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने। और 2 हफ्ते का टाइम दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया था, लेकिन 2 हफ्ते का टाइम और बढ़ गया है सुप्रीम कोर्ट के बोल देने से। और सुप्रीम कोर्ट के बोल देने से 2 हफ्ते का टाइम और बढ़ गया है, इसलिए बढ़ा है क्योंकि अमेज़ॉन उसके ऊपर अपना रिस्पॉन्स लॉ के अकॉर्डिंग फाइल कर सके। आपको पता है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इन दोनों के बीच में, यानी अमेज़ॉन और फ्यूचर ग्रुप के जो बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेज़ॉन ने कोशिश करी थी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के अंदर इनडायरेक्टली एंट्री करने की बिना FDI परमिशन लिए, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट का शक है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसी चीज़ को यहाँ पे जो है, अब देखिए, उसकी बात तो हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है क्या चल रहा है, मैंने आपको रिमाइंड करा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने ऐसा यहाँ पे अमेज़ॉन एलिज कर रहा है कि 7,000 करोड़ रुपए, लगभग 939 मिलियन डॉलर का अमाउंट जो है, इन्होंने मार्च 2020 के एंड होते होते जो है किशोर बियानी के द्वारा ही ओन की जाने वाली एक एंटिटी में ट्रांसफ़र किया है, कंपनी में ट्रांसफ़र किया है। और डेफिनेटली इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ये डिमांड कर रहा है बेसिकली। और इसकी जो एक कॉपी जो है, ये जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, इसकी एक एक कॉपी जो है, इन्होंने RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और जो और अथॉरिटीज़ हैं, इन सभी के सामने इसने फाइल लगा दिया है ताकि इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन कराई जा सके। अब रियलिटी क्या है? रियलिटी तो इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगी, लेकिन अमेज़ॉन की बात पे हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि अमेज़ॉन जो बोल देगा वो सही होगा, ये दूध का धुला नहीं है अमेज़ॉन, राइट। तो अब अथॉरिटीज़ जो बोलेंगे वही हम समझेंगे, आगे जो कुछ अपडेट आएगी मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि 7,000, अब यहाँ पे अमेज़ॉन बेसिकली ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप पैसे को इधर उधर ना ट्रांसफ़र करके अपने जो ड्यू ऑब्लिगेशंस हैं उन्हीं को आप पूरा करते, ताकि आपका जो डेट है उसको आप चेस कर सको, उसको बढ़ने से रोक सको, राइट। रिलायंस के साथ ये बोलना चाहता है अंदर से कि रिलायंस के साथ डील करने की क्या ज़रूरत है, जो भी आपकी 7,000 करोड़ रुपए जो भी आपने इधर उधर किया, उसको आप अपने रिमेनिंग जो आपके डेट्स हैं, जो कर्जा है, उसको कम करने के लिए इंश्योर करो, लगाओ, ताकि आपका बिजनेस सर्वाइव कर सके, इंश्योर करो कि कंटिन्यूस बना रहे, राइट। तो दोस्तों, ये अमेज़ॉन की तरफ से एलिगेशन लगाई गई, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर रहा है। अब आगे समय बताएगा कि अब CCI इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करता है। CCI के रिस्पॉन्स के ऊपर सबकी नज़रें टिकी हैं। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से जो रिस्पॉन्स आएगा, उसके ऊपर भी हम उम्मीद करेंगे कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसके ऊपर भी सब्जेक्टेड हो, यानी इसको वहाँ पे भी ध्यान में रखा जाए, उसके बाद ही कुछ फैसला सुनाया जाए। चलिए, खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। बस ये छोटी सी अपडेट अगर आपको अच्छी लगी, ये दोस्तों ये खबर 3-4 दिन में पहले भी बता सकता था, लेकिन स्केड्यूल बिजी था, इसलिए मैं थोड़ा सा, आपको संडे सैटरडे था तो मैंने सोचा आराम से आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी इन्फॉर्मेशन, मोटा मोटा समझिए।
तो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को 7,000 करोड़ रुपए इधर उधर करने के लिए एलिगेशन लगाया जा रहा है अमेजोन की तरफ से, और कहा जा रहा है कि इसको इधर उधर ना करके अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए यूटिलाइज कर सकता था, राइट। और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी कर रहा है। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिए, हम आगे कुछ और डिस्कस करते हैं। टेक केयर।